हेलो दोस्तों, चलिए नया सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 और 7 की पावर d बराबर 8। ठीक है, आपसे पूछा गया है ए बी सी डी बराबर क्या। ठीक है, अब देखिए, 4 की पावर a बराबर 5, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम स्टार्टिंग यहां से ना करके हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करने का मतलब अगर मैं सिर्फ 7 की पावर d बराबर 8 लूं, ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि 7 के बराबर क्या दिया गया आपको, 6 की पावर c। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 7 है, इसकी जगह मैं 6 की पावर c लिख सकता हूं। ठीक है, और 6 की पावर c का मतलब उसके ऊपर d था ही पहले से, यानी कि 8। तो इसको मैं, ये जो हमारे पास 7 की पावर d था, इसको मैं 6 की पावर c * d कह सकता हूं, क्योंकि जब हमारे पास ब्रैकेट लगा होता है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, सर्ज एंड इंडाइसिस में शायद आपने पढ़ा होगा। तो 6 की पावर c d बराबर 8। ठीक है, अब ये जो 6 आया है ये किसके बराबर दिया गया आपको, 5 की पावर b, यानी कि इसकी जगह मैं 5 की पावर b लिख सकता हूं और इसकी पावर c d। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या बन गया, 5 की पावर b c d बराबर 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास 5 की पावर b c d दिया गया है तो 5 किसके बराबर है, 4 की पावर a, 4 की पावर a, और इसकी जगह मैंने रख दिया, अब 5 की जगह रख दिया 4 की पावर a, इसके इक्वल 8। यानी कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, 4 की पावर a b c d बराबर 8। ठीक है, तो सर्च एंड इंडाइसिस में हम एक चीज पढ़ते हैं कि अगर बेस बराबर होगा तो हम पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं या पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बेस इधर कितना है, 4, इधर है 8, सेम नहीं है, तो बेस को हम सेम बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, मैं 4 को 2 की पावर 2 कह सकता हूं और इसकी पावर ए बी सी डी बराबर 2 की पावर 3। देखिए, जब भी आप बेस और पावर को या पावर्स को जब भी आप अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे तब आप ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जी हर बार ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा, यहां 4 के साथ ब्रैकेट नहीं है फिर भी आपने लगा दिया। जगह अगर हम अपनी तरफ से कोई भी चीज को मॉडिफाई करेंगे बेस और पावर के साथ तो हम उसमें ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस में इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब फिर इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि 2 की पावर 2 a b c d कह सकता हूं और इधर हो गया 2 की पावर 3। अगर बेस बराबर है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हो, यानी कि 2 a b c d बराबर कितना हो गया, 3, तो ए बी सी डी बराबर क्या हो गया आपके पास, 3/2, क्योंकि इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है पिछले सेशन के मुकाबले, हर सेशन में आपको कुछ नए क्वेश्चंस अच्छे लेवल के मिलते चले जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। माना कि ए बी सी प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि 24/5 a+1/b+1/c+1, तो a+b - c का मान कितना है। ठीक है, देखिए 24/5, पहले इसी क्वेश्चन को 1/c+1, अगर मैं 24/5 को डिवाइड करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4+4/5 कह सकता हूं। ठीक है, 5 के 20 4 और रिमाइंडर बचा 4, यानी कि 4+4/5 कह सकते हैं, और बराबर आ गया आपके पास a+1/b+1/c+1, यही हो गया। यानी कि यहां से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो a के बराबर क्या मिल गया, 4। आगे बढ़ते हैं, a को छोड़ देते हैं, 4/5 = 1/b + 1/c+1। ठीक है, फिर सर्च एंड इंडाइसिस का एक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर हमारे पास 1/ में कुछ नंबर दिए गए तो उनको हम दोनों तरफ पलट सकते हैं, यानी कि 5/4 = b+1/c+1 कह सकते हो, पलट दिया, अगर इधर पलट रहे हैं तो इधर भी पलट दिया। ठीक है, यहां से आप इसको क्या कह सकते हो, 1+1/4 कह सकते हो, 4 * 4 और 1/4, और ये हो गया आपके पास b+1/c+1। ठीक है, यहां से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बी बराबर आपको क्या मिला, 1। आगे बढ़ लेते हैं, अब आपके पास बचता है 1+1/4 = 1/c+1। ठीक है, फिर दोबारा इसको पलट देते हैं, यानी कि 4/1, यानी कि 4/1 को तो आप सीधा 4 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
और चार के बराबर आपके पास मिल गया वन अपॉन सी प्लस वन, ठीक है, दोनों को पलट दिया। अब आपके पास क्या बचता है, सी बराबर क्या हो गया वन, सॉरी थ्री, क्योंकि ये इधर जो है वन जो इधर प्लस का था वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, या फिर सीधा से इसको हम ये भी लिख सकते हैं सी बराबर फोर माइनस वन, यानी कि सी बराबर थ्री, ठीक है। अब सारी आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बराबर हमने सबसे पहले निकाला था, ए बराबर आ गया आपके पास फोर, बी बराबर हमने निकाला था वन, और सी बराबर थ्री। पूछा क्या गया है, ए प्लस बी माइनस सी, वैल्यू रख दो, ए का मतलब चार, बी का मतलब एक, सी का मतलब तीन, चार एक पांच, पांच में से तीन गए दो, आंसर आपका दो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, नंबर्स आपको बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, 10 की पावर 10, 2 की पावर 10 और उसकी पावर 5, 5 की पावर 10 फिर उसकी पावर 2, 4 की पावर 5 फिर उसके ऊपर 4, ठीक है। देखिए ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो भी पावर्स होंगी उसको बराबर करेंगे, ठीक है, जैसे 10 की पावर 10 इसको आप कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो 2 की पावर 50। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके साथ ब्रैकेट दिया गया है आपके पास तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2 की पावर 50 हो गया, यहां अगर आप करते हैं तो 5 की पावर 20 और यहां अगर आप करते हैं तो 4 की पावर 20, ठीक है। अब मिनिमम पावर कौन सी है इसमें, 10 है और ये आपको दिख रहा है कि 10 से सारे नंबर कटते हुए हैं, तो यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूं 10 की पावर 10 और इसको क्या कह सकता हूं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 10। 50 को मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया, 10 × 5 अभी भी तो 50 है, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 5 और फिर ब्रैकेट लगा के 10, इसको आप क्या कह सकते हो पावर हमने 10 बनानी है, यानी कि 5 की पावर 2 और उसकी पावर 10, सेम यहां भी 4 की पावर 2 उसकी पावर 10, कोई चेंज नहीं हुआ भाई, 10 तो 10 था ही, लेकिन 10 × 5 50, 10 × 2 20, 10 × 2 20, लेकिन हमने ये जो मिनिमम पावर जो है उसके बेस पे सारी नंबर जो है अपने सेट कर लिए, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हैं 10 की पावर 10, इसको आप 2 की पावर 5 को कितना कहते हैं 32 की पावर 10, इसको 5 की पावर 2 का मतलब 25 की पावर 10 और 4 की पावर 2 का मतलब 16 की पावर 10, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, आपसे पूछा था सबसे बड़ा कौन सा है, बेस सबसे बड़ा किसका है 32, यानी कि यही आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पावर्स तो सेम है, अब जिसका बेस सबसे बड़ा वही नंबर आपके पास सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तीन संख्याएं आपको दी गई हैं, 2 की पावर 5555, 3 की पावर 3333 और 6 की पावर 2222, इनको आरोही क्रम में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। आरोही क्रम का मतलब मैं पहले भी बता चुका, आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ, ठीक है। यहां भी सिचुएशन क्या बनती है कि 2 की पावर 5555, 3 की पावर 3333, 6 की पावर 2222, यानी कि पावर्स आपको अलग अलग दे रखी है, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि 1111 के सारे 1111 से कट सकते हैं, तो हम उसी फॉर्म में तैयार कर लें, 2 की पावर 5555, इसको मैं क्या कह सकता हूं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1111, ठीक है, अपने तरीके से मॉडिफाई किया है। 3 की पावर 3333, इसको आप क्या कह सकते हो 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1111, ठीक है, समझ गए होगे, 1111 का 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3333 ही बनता है। तो हमने ये जो नंबर्स हैं, ये जो पावर्स हैं, उनको अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास 6 की पावर 2222, इसको भी सेम ऐसे ही कर लो, 6 की पावर 2 और उसकी पावर 1111, ठीक है। अब फिर पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, अगर आपके पास पावर सेम है तो जिसका बेस सबसे बड़ा उसका वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका बेस सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 6 की पावर 2 का मतलब 36, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, ये आपसे पूछा गया था आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब छोटे से लेकर बड़ा, तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये, ठीक है, यानी कि 27 का मतलब ये आ जाएगा 3 की पावर, सबसे छोटा आपके पास ये, उससे बड़ा 32 यानी कि सबसे पहले वाला 2 और उससे बड़ा 36 यानी कि 6 वाला आपके पास आंसर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो सभी बेस जो है, सॉरी बेस नहीं, इसका जो पावर जो होती है सारे को सेम कर लेते हैं, फिर बेस को हम कंपेयर कर लें, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या 1999 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए और बी प्राकृत संख्याएं हैं, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप सब जानते ही होंगे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है,
ठीक है, यानी कि 1999 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका टोटल और जिनका डिफरेंस करने के बाद 1999 आता हो, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं ए की जगह 1000 और बी की जगह 999, तो ये कितना हो गया, और इसके साथ 1000 माइनस 999, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको करूंगा तो कितना बनेगा, 1999 और इंटू 1, सेम बन रहा है, यानी कि ए के बराबर क्या हो गया आपके पास 1000 और बी के बराबर हो गया 999। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 999 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1000 का अगर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं 999 का करूंगा तो इसका आ जाएगा 001। ठीक है, इसको अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही हो तो इसको आप ये भी कर सकते हैं, 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए और बी का इसकी जगह फॉर्मूला रख के इसकी जगह वैल्यू पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं, करेंगे तो इसके बाद यही आंसर आएगा आपके पास, यानी कि दोनों को जोड़ना था तो आंसर आपके पास ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। ठीक है, देखिए यहां लघुत्तम समापवर्त्य आपसे पूछा गया था, लेकिन हमारी एक यहां मजबूरी भी होती है कि लघुत्तम समापवर्त्य के साथ आपको महत्तम समापवर्तक भी निकालना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब एलसीएम अगर आपसे पूछा गया है तो महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ भी आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि जहां भी आपको भिन्न के रूप में दिया जाएगा या फ्रैक्शंस आपको दिए जाएंगे और उनमें अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो एलसीएम तो निकालना ही है लेकिन एचसीएफ भी निकालना। ठीक है, सेम कंडीशन अपोजिट साइड में, कि अगर आपको भिन्न दी गई है और उनमें आपसे लघुत्तम समापवर्त्य की बजाय महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा या फिर एचसीएफ भी पूछा जाए तो भी चीजें आपको दोनों ही निकालनी है। ठीक है, अब वो निकालनी कैसे कैसे, अगर मैं आपको चार नंबर ना लेके अभी हम सिर्फ दो नंबर ले लेते हैं, 1/3 और 5/6, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एक चीज आप याद रखें कि जो अंश होगा या न्यूमरेटर जो होता है उसका तो हमने एलसीएम निकालना है, और जो नीचे जो एचसीएफ ये जो डिनोमिनेटर जो होता है या हर जो होता है उसका हमको एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, यानी कि ये तो दोनों चीजें आप निकालेंगे ना, उसका मतलब ये नहीं है कि एलसीएम और एचसीएफ आपने दोनों निकाले हैं, इसका मतलब ही ये होगा कि आपने सिर्फ एलसीएम निकाला है। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शंस में आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों ही निकालने पड़ेंगे, चाहे वो आपसे एलसीएम पूछे चाहे आपसे एचसीएफ पूछे। ठीक है, अब वो निकालना क्या है, एलसीएम आपसे पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ बचता है। अगर यहां एचसीएफ पूछ लेता तो क्या करते, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देते, नीचे वाले का एलसीएम बचता है। ठीक है, समझ गए होगे, यानी कि अब हमारे पास यहां यही काम करना है, निकालने तो हमको दोनों ही पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेसक उसने एलसीएम ही पूछा है लेकिन निकालना हमारे पास मजबूरी है कि हमको निकालने ही पड़ेंगे, यानी कि इनका आपसे पूछा था एलसीएम। अब अगर एलसीएम पूछा है तो भी मैंने आपको बताया कि ऊपर वालों का या अंशों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 निकाल लेना, और अगर एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 1, 2, 5, 4। ठीक है, दो से काटते हैं, एक हो गया, पांच हो गया, दो हो गया, फिर दो से काटेंगे, एक एक पांच एक, फिर पांच से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1, जहां आपके पास 1, 1 मिल जाए वही आपका, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके पास एलसीएम आ जाता है। ठीक है, यानी कि 5 × 2 × 2 = 20, तो सीधा से मैं इसको 20 लिख दूं, एलसीएम तो आ गया ऊपर वाले का 20, अब बचता है नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो सभी को काटती हो। ठीक है, वो मैक्सिमम नंबर जो सभी को काटता हो, यानी कि 3, 6, 9 और 27, इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी को काटेगा, यानी कि 3 ही मैक्सिमम नंबर है जो सभी को काट रहा है, तो एचसीएफ हो गया 3, तो आंसर आपके पास 20/3। ध्यान रखना कि ये सिर्फ एलसीएम है, निकालना आपको दोनों पड़े हैं, एलसीएम भी निकालना पड़ा, एचसीएफ भी निकालना पड़ा, लेकिन आप इसको बोलेंगे कि हमने सिर्फ एलसीएम निकाला है। अगर ये एचसीएफ पूछता तो भी आपको दोनों ही निकालने पड़ते, किसका, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तब आप उसका आंसर सिर्फ एचसीएफ के रूप में ही देते। चलो आगे बढ़ लेते,
जब किसी संख्या को दो तीन चार पांच छह से भाग करें तो प्रत्येक अवस्था में शेष एक आता है, लेकिन यह संख्या सात से पूरी विभाजित हो जाती है। यदि संख्या 250 और 350 के बीच में हो तो संख्या के अंकों का योग कितना है? देखिए, जब किसी संख्या को दो तीन चार पांच छह से भाग करें तो प्रत्येक अवस्था में एक शेष आता है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि अवस्था शेष आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो शेष आएगा, यानी कि पहली बात तो इनका एलसीएम आपके पास हो और एलसीएम में प्लस वन हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं दो तीन चार पांच छह, ठीक है, निकालेंगे इस तरह एक तीन दो पांच तीन, फिर दो से डिवाइड कर लेंगे एक तीन एक पांच तीन, तीन से डिवाइड करेंगे एक 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 पांच एक, और पांच से करेंगे तो सभी का एक आ गया, यानी कि 5 × 3 × 2 × 2, यानी कि आ गया आपके पास 60, ठीक है। यानी कि एलसीएम आ गया इनका 60, यानी कि 60 ऐसी कौन सी संख्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी से कटती है, ठीक है। यानी कि इनका एलसीएम हो गया 60। अब वो कह रहा है कि ऐसी संख्या थी, इनसे काटने के बाद एक शेष बचता है, यानी कि एक शेष बचता है तो इसका मतलब प्लस वन होगा, यानी कि 61। अब ये कह रहा है कि यदि यह संख्या, यानी कि अगर ये 61 जैसा है, अगर ये संख्या सात से पूरी तरह कटती हो, ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 60 × 1 + 1 = 61, ये कटेगा, या फिर 120, ठीक है भाई, सॉरी 121, ठीक है 121, यानी कि 120 तो दो तीन चार पांच छह सभी से कटेगा, एक रिमाइंडर भी आपको बचाना है, यानी कि एक तो एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा। इसी तरह फिर इंटू थ्री करते हैं, प्लस वन करते हैं, 181, क्या ये सात से कटता है? नहीं कटता। उसके बाद फिर इंटू फोर प्लस वन, यानी कि 241, क्या ये सात से कटता है? नहीं कटता। उसके बाद 6 × 5 + 1, 301, यानी कि ये सात से कटता है। काट के देख लीजिए, 43 टाइम्स पूरा पूरा कटेगा, यानी कि संख्या कौन सी आपके पास? 301। अब पूछ रहा था कि 250 और 300 के बीच में हो, यानी कि आपको दिख रहा है कि 250 और 350 के बीच में भी है 301, और संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा है, यानी कि 3 + 0 + 1, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 4, ठीक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई ना करना चाहते हो तो 61 आपने एक बार कर लिया, उसमें 60 जोड़ दीजिए 121, अगर ये भी साथ से नहीं कटता है तो फिर 60 जोड़ दीजिए 181, अगर ये भी साथ से नहीं कटता है तो फिर 60 जोड़ दीजिए 241, अगर ये भी नहीं कटता है तो फिर 60 जोड़ दीजिए 301, ये साथ से कटता है, ठीक है। तो आंसर आपका 301 का मतलब इनका टोटल आपसे पूछा था अंकों का, तो 303 और प्लस 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक चार अंकों की है का एचसीएफ 103 है और उनका एलसीएम 19,261 है, उन संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जहां भी आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें दे रखी हैं, ठीक है, एचसीएफ को आप संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां अगर आपको एचसीएफ 103 दे रखा है तो आप दो संख्याएं कौन कौन सी ले सकते हैं? 103A 103B, ठीक है। अब ये क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 103 या एचसीएफ जो इसमें दिया गया है, एचसीएफ क्या होता है कि वो मैक्सिमम नंबर जो दोनों को काट दे, ठीक है। अब इसमें 103 इसमें भी आएगा, 103 इसमें भी आएगा, तभी तो 103 से कटेगा। यानी कि 103 को आप, यानी कि जो भी एचसीएफ होता है उसको आप संख्याओं के साथ लगा सकते हैं, यानी कि संख्याएं आपके पास क्या क्या होंगी? 103A 103B, ठीक है। अब इसके बाद इनका दे रखा है इसने एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 103 ए और 103 बी का। अगर आप एलसीएम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे? 103 ए बी, ठीक है। अब हो सकता है किसी को शायद इसमें कन्फ्यूजन हो गया हो कि जी 103 ए और 103 बी का एलसीएम 103 ए बी क्यों आया। देखिए, हम क्या करते हैं कि यहां हमारे पास जब हम इस तरह इसको डिवाइड करते जाते हैं तो हमारे पास यहां लास्ट में 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 103 से आप इसको काटेंगे तो यहां क्या बचेगा? ए, यहां बचेगा बी। अगर आप इसको ए से काटते हैं तो ये बचेगा 1 और यहां बचेगा बी, फिर बी से काटते हैं तो 1 1, यानी कि ये तो हमको चाहिए होता है अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो। और एलसीएम क्या होता है? इन सभी का प्रोडक्ट या इनका गुणनफल, यानी कि 103 ए और बी। एलसीएम निकालना सीख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका एलसीएम जो आपको दे रखा था वो था आपके पास 19,261, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 19,261 डिवाइडेड बाई 103, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? 19,261 को 103 से डिवाइड करना है, वन टाइम
103 बचेगा कितना 89 6 8 टाइम्स आप इसको कर सकते हो 824 बचा कितना 72 1 7 7 टाइम्स 721 यानी कि पूरा पूरा कट गया यानी कि ए बी बराबर आपके पास क्या मिल गया 187। ठीक है अब 187 के आप ऐसे दो टुकड़े 187 को आप दो टुकड़ों में तोड़ लीजिए ए और बी में यानी कि इसको क्या कह सकते हैं 187 को आप 11 × 17। ठीक है यानी कि ए बराबर 11 और बी बराबर आप 17 कह सकते हैं। अब इसने पूछा था कि उन संख्याओं का योग क्या होगा यानी कि 103 × 11 और 103 × 17 ये तो होगा भाई संख्याएं तो हमारे पास ये थी ना 103 है 103 भी तो दोनों को इनकी जगह पुट कर दिया। अब इनको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे या तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए या फिर उससे आसान है कि 103 कॉमन लीजिए और 11 + 17 यानी कि 103 × 28 क्या हो जाएगा 28 × 84 और 28 × 2884 आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संख्या शून्य को दोनों तरफ यानी कि दाहिने भी और बाएं भी दोनों तरफ एक दो संख्या की दो अंकों की संख्या से घेरा जाए उदाहरण स्वरूप 25 उसके बाद जीरो लगा दिया फिर 25 67 फिर जीरो लगा दिया 67 आदि हो तो वह अधिकतम संख्या जो ऐसी संख्या को सदैव विभाजित करेगी कौन सी होगी। ठीक है देखिए इसमें आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी इस तरह के दो क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि अगर एक तो क्वेश्चन आपके सामने यही है कि 25 0 25 या 67 0 67। ठीक है इस तरह की संख्याएं जो होंगी वो 7 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी 13 से भी कटेगी और 1001 से यानी कि ये चार संख्याएं 7 11 13 और 1001 ऐसी संख्याएं होंगी जो इस तरह की संख्याओं को काटेंगी जिसमें बीच में जीरो लिख दिया गया हो और दोनों तरफ कोई भी नंबर दो दो लिख दिए गए हो। ठीक है इसमें पूछा था कि अधिकतम संख्या तो अधिकतम संख्या का मतलब 7 11 13 1001 में अधिकतम यही है ऑप्शन में भी आपको ये चारों दे रखे हैं तो अधिकतम आपसे पूछा था ये। अब इसमें एक दूसरी चीज और भी आती है कि अगर बाय चांस ये जीरो ना हो के बीच में अगर हम इसको 25 25 25 यानी कि 6 बार अगर 6 अंकों की संख्या जो अंकों को रिपीट करने के बाद अगर आप लिखें तो वो भी सेम यही है कि 7 11 13 और 1001 इन सभी से कटेगी। ठीक है जैसे अगर मैं लिखूं 723 723। ठीक है 6 अंकों की संख्या है अंक रिपीट हो रहे हैं तो ये संख्या भी इन चारों संख्याओं से कटेगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आंसर आपके पास 1001 मैक्सिमम आपसे पूछा था। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की पावर 6 + 7 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। देखिए ये हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आता है। अभी आप देख रहे होंगे कि धीरे 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 आपके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे हमारा नंबर सिस्टम जब खत्म होने की तरफ आएगा तो ये लेवल जो है बहुत ऊपर तक आपका चला जाएगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के बैंक वगैरह के उसमें पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है तो इसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम यहां काम आएगा 9 की पावर 6 + 7 को 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है यानी कि रिमाइंडर थ्योरम जब हमारा कॉन्सेप्ट वाइज क्लास चलेंगे तो उसमें हम डिटेल उसमें पढ़ेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम को किस तरह हम अप्लाई करते हैं। यहां हमने क्या देखना है कि जो भी हमारे पास बेस जो दिया जाता है 9 की पावर 6 + 7 इसको आप ये कह सकते हैं ना कि 8 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अगर आपके पास पावर्स में पावर और बेस के साथ कोई संख्या दी गई है तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ बेस को भाग देते हैं। ठीक है अगर मैं 8 से 9 को भाग दूं तो शेष कितना बचेगा 1। ठीक है 9 को अगर मैंने 8 से भाग दिया तो शेष बचा 1 तो हम सिर्फ शेष से ही काम करेंगे यहां तो मैं सीधा लिख सकता हूं 1 की पावर 6। ठीक है बेस को 8 से डिवाइड किया ठीक है रिमाइंडर बचा या शेष बचा 1 8 × 8 और 1 बचा शेष 1 की पावर 6। अब अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा 2 यहां आपके पास बचते हैं या तो मैं कह दूं कि पूरा 7 ही बचेगा या फिर बचेगा -1। ठीक है क्यों क्योंकि अगर मैं इसमें 0 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 0 0 और 7 बचा रिमाइंडर। अगर मैं इसमें 1 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 * 8 ये हो गया ज्यादा कितना ज्यादा है 1 यानी कि -1 का यहां
रिमाइंडर बचता, ये हम चीजें रिमाइंडर थ्योरम जब हम करेंगे तो उसमें सारी चीजें बड़े अच्छे से डील होंगी। अब हमारे यहां काम क्या रह गया कि जो बेस था उसको हमने डिवाइड कर लिया, जो रिमाइंडर बचा उसी की पावर चढ़ा दी, और अगर किसी में आपको लगे कि भाग आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो या तो वही नंबर शेष बचेगा या फिर एक स्टेप आगे लेके माइनस में रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां हमारे पास दो शेष बचते हैं। अब यहां जरूरी नहीं है कि आप सात को ही लें या माइनस एक को लें, आप दोनों से कर सकते हैं, दोनों से हम डील करेंगे। अगर मैं सात वाले को रिमाइंडर को लेता हूं तो यानी कि ये कितना बच जाएगा, एक की पावर छह, एक एक प्लस सात और डिवाइडेड बाई आठ, यानी कि आठ बाई आठ पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर जीरो, तो आंसर आपका जीरो। या फिर अब अगर मैं सात को ना लेके मेरे पास ये बचता है और माइनस का वन, ठीक है, तो एक की पावर छह का मतलब एक, एक माइनस एक अभी भी आपके पास जीरो। ठीक है, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, बाकी रिमाइंडर थ्योरम जब हमारे पास आएगी तो बड़े अच्छे से डील होगा। आपका आंसर आ गया यहां जीरो। देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थी एक ड्रिल के लिए तैयारी कर रहे हैं और पंक्तियों में खड़े किए जाते हैं। यदि एक पंक्ति में चार छात्र अतिरिक्त खड़े किए जाते तो दो पंक्तियां कम बनती, किंतु चार पंक्तियां अधिक होती यदि प्रत्येक पंक्ति में चार छात्र कम होते। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि या तो हम छात्रों की संख्या ए ले लें और पंक्तियों की संख्या हम बी ले लें, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, ए बी। ठीक है, कैसे होंगे, सपोज करो हमारे पास अगर सॉरी ये थी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में छात्र, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में छात्र हमने ए ले लिए और आपके पास टोटल पंक्तियां हैं बी, तो कुल छात्र हो गए ए बी। कैसे, अगर मैं मान लो मैं कहूं कि भाई एक पंक्ति में आपके पास तीन छात्र हैं और आपके पास ऐसी पांच पंक्तियां हैं तो टोटल छात्र आप भी काउंट कर सकते हैं, तीन 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 तीन, यानी कि थ्री इंटू फाइव 15, ये भी कह सकते हो, यानी कि जो आपके पास एक पंक्ति में छात्र हैं अगर मैं टोटल पंक्तियों से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कुल व्यक्तियों की कुल छात्रों की संख्या। यही हमने यहां किया है, यहां सिर्फ क्या है कि हमने वेरिएबल्स ले लिए और तो कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, यानी कि कुल छात्र कितने आ गए आपके पास, ए इंटू बी। अब आ जाते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है कि यदि एक पंक्ति में चार छात्र अतिरिक्त खड़े किए जाते, यानी कि जहां हमारे पास ए थे इसकी जगह हो जाए ए प्लस फोर, ठीक है, तो दो पंक्तियां कम बनती तो पंक्ति कितनी हो जाती, b माइनस टू। भाई छात्र तो कम ज्यादा नहीं होंगे ना, जो एक स्कूल में है जो एक क्लास में है वो तो छात्र तो उतने ही रहने, हम बेशक पंक्तियों को ही कम ज्यादा या स्टूडेंट्स को ही प्रति पंक्ति में कम ज्यादा कर सकते हैं, टोटल छात्रों की संख्या थोड़ी ना हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि a प्लस फोर अगर चार छात्र अधिक हो और पंक्तियों की संख्या दो कम हो जाए तो छात्र थोड़ी ना चेंज होंगे, यानी कि इनका टोटल भी तो इसी के बराबर होगा जो पहले हमारे पास था। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस टू ए प्लस फोर बी माइनस एट बराबर ए बी। ठीक है, ए बी से ए बी खत्म हो गया, आपके पास बचा क्या, माइनस टू ए प्लस फोर बी, आठ को इधर ले जाइए प्लस का बन जाएगा, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि टू ए माइनस फोर बी बराबर माइनस एट, कॉमन ले लिया माइनस का। ठीक है, एक सिचुएशन एक कंडीशन तो आपके पास बन गई ये, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। वो कह रहा था कि चार पंक्तियां अधिक होती यदि प्रत्येक पंक्ति में चार छात्र कम होते, यानी कि जहां हम पहले ए खड़ा कर रहे थे अगर हम ए में से चार कम करें तो पंक्ति कितनी हो जाएंगी अधिक, चार पंक्तियां अधिक हो जाएंगी, तो स्टूडेंट्स तो अभी भी चेंज नहीं होने, यानी कि स्टूडेंट्स तो अभी भी ए भी रहेंगे। ठीक है, यहां से दूसरी कंडीशन आपके पास, दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ए बी प्लस फोर ए माइनस फोर बी और माइनस सिक्सटीन, सेम ए बी से ए बी कट गया, आपके पास क्या बचा, 4a माइनस फोर बी बराबर 16। ठीक है, चार आपको दिख रहा है सभी में कॉमन है तो हम चार को बाहर कर सकते हैं, a माइनस बी बराबर 16। ठीक है, या फिर अगर बाहर भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको ऊपर भी b के साथ 4 ही लगा हुआ है। ठीक है, ये होगी आपके पास दूसरी क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, 2a माइनस फोर बी बराबर माइनस का 8 और 4a माइनस फोर बी बराबर 16, साइन चेंज कर लीजिए,
माइनस से माइनस, ये माइनस प्लस कट गए, आपके पास बचेगा माइनस का 2a बराबर माइनस का 24, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास 12। a की वैल्यू कहीं भी पुट कर लीजिए, यहीं कर लेते हैं, तो 4a माइनस 4b बराबर 16 था, तो a की जगह 12 रख दीजिए, 48 माइनस 4b इक्वल टू 16, ठीक है। b को इधर ले जाएं, 4b, इसको इधर ले आएं, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि b बराबर आके आ गया आपके पास 32/4 का मतलब 8। तो a और b दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछा था कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, कुल छात्र कितने थे, ए बी, यानी कि ए इंटू बी का मतलब 12 × 8 96, तो आंसर आपके पास 96, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक छात्र से एक संख्या को 6 से विभाजित करके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु उसने पहले संख्या में 12 जोड़ा और फिर उसे 6 से विभाजित किया और उत्तर 112 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो पहले हम ये संख्या निकाल लेंगे, उसको संख्या कौन सी दी गई थी जिसमें उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कुछ करना था, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि सेकंड लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि उसने पहले संख्या में 12 जोड़ा। अगर हम संख्या को ए भी ले लें, मान लो संख्या आपने ए ले ली, तो संख्या संख्या में उसने पहले जोड़ा 12, ठीक है, फिर उसे 6 से डिवाइड कर दिया और उत्तर उसको कितना मिला 112। सीधी सीधी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है उसी के थ्रू चले जाते हैं। उसने पहले संख्या में 12 जोड़ा, यानी कि संख्या अगर आपने a ले ली तो a में 12 जोड़ा, a प्लस 12, और 6 से डिवाइड कर दिया और उत्तर प्राप्त किया 112, ठीक है। 6 को ऊपर ले जाएं, a प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 112 × 6, यानी कि 672, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 672 माइनस 12, इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, a बराबर आ गया आपके पास 670, ठीक है। संख्या आपके पास 670 है, वो कह रहा है कि सही उत्तर पूछना है, वो सही उत्तर क्या कि संख्या को 6 से विभाजित करें और फिर उसमें 12 जोड़ें, ठीक है। सॉरी 660, ठीक है। संख्या को पहले 6 से विभाजित करें फिर 12 जोड़ें, यानी कि संख्या आपके पास है 660। अब 660 को पहले हम डिवाइड करें 6 से, कितना मिलेगा 110, और फिर 12, यानी कि सही उत्तर तो आपके पास यही होगा 122, तो आंसर आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यक्ति के पास 1044 मोमबत्तियां हैं और जलाने के बाद 9 बचे हुए मोम के टुकड़ों से वह एक नई मोमबत्ती बना सकता है, तो अधिकतम कितनी मोमबत्तियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। देखिए, एक हमारे पास एक सीधा सा इसमें आंसर आ जाता है कि जी 1044 को मैं सीधा 9 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास मोमबत्तियों की संख्या आ जाएगी 9 × 9, और बचेगा 1, 4, 9 × 9, 9, 6, 54। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो ये कह रहा है कि 1044 मोमबत्तियां हैं, ठीक है, लेकिन जलाने के बाद 9 टुकड़ों से वो एक मोमबत्ती बना सकता है। तो अगर वो मोमबत्ती बनाने बैठेगा तो 1044 को 9 से डिवाइड किया, यानी कि 116 मोमबत्ती, तो 116 टुकड़े तो यहां से बचे, ठीक है। अब 116 मोमबत्तियां तो इन टुकड़ों से बन सकती हैं, ठीक है। अब अगर जो आपके पास 116 जो टुकड़े बचते हैं उसको भी तो 9 से डिवाइड करोगे, टुकड़े तो उनके जलने के बाद उनके भी बचेंगे ना, ठीक है। 116 को दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 9, और 2 बचेगा 6, 9 × 2 = 18, पॉइंट में आएगा, कर लेते हैं, ठीक है, 12.8। वैसे दशमलव में बनेगी नहीं, लेकिन ये अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है। 12.8 यहां से बनेगी। अब 12.8 को फिर दोबारा 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 से 9 × 9, 3 × 9 = 36, ठीक है। यानी कि टोटल मोमबत्तियां आप कितनी बना सकते हैं, 116 प्लस 12.8 प्लस 1.4, ठीक है, यानी कि 116, 12.8 और 1.4 कितना हो जाएगा 2, 6, 2, 8, 9 और 1, 10, 16, 17 और 1, सॉरी 116 था ना ये, ठीक है, तो 11, 1, 12 और 1, 13, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एग्जैक्ट जो मोमबत्तियां बनेंगी वो बनेंगी 130, ठीक है।
अब देखिए यहां जब हमने पहली बार जब डिवाइड किया था तो 116, हमारा ध्यान इसी पे जाएगा कि हाँ जी 116 आ गया तो आंसर भी 116, लेकिन नहीं, 116 टुकड़ों में से भी तो आप मोमबत्ती बना सकते हो। 116 को आप डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि 9 टुकड़ों से आपकी एक मोमबत्ती बनती है, तो 116 में से कितनी मोमबत्तियां बन सकती है, 12.8, ठीक है, 12.8 में से भी एक मोमबत्ती बन सकती है, क्योंकि एक मोमबत्ती बनाने के लिए उसको 9 टुकड़े चाहिए, ठीक है, 9 टुकड़े बनाने, 9 टुकड़े से एक मोमबत्ती बन सकती है, तो एक मोमबत्ती तो यहां से भी निकल सकती है 12.8 से, ठीक है। तो अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे तो 130.2 यानी कि 130 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऊंटों के एक झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर गया और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे पाए गए, ऊंटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको दिया गया है जिसको आप देखते इसको सेकंडों में आंसर दे सकते हो, कौन सा है? पहली लाइन कि ऊंटों के एक झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा गया, यानी कि जो ऊंट जो होंगे टोटल वो ऐसी संख्या होगी जो 4 से डिवाइड हो सकती हो, ठीक है, यानी कि 34 4 से डिवाइड नहीं हो सकती, 35 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 32 36 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इन तीनों आगे बात कर लेते हैं। झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर गया, वर्गमूल किसका निकल सकता है, जो कि खुद एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपके पास बचता है सिर्फ 36 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक 36 बचता है तो हम 36 को बेस बना के क्वेश्चन देख लें, अगर 36 के ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आंसर 36 या फिर इनमें से कोई नहीं, देख लेते हैं। ऊंटों के एक झुंड का एक चौथाई जंगल में देखा गया, यानी कि 36 का एक चौथाई, कहने का मतलब 9 कहां चले गए, जंगल में देखे गए। झुंड के वर्गमूल का दोगुना, यानी कि 36 के वर्गमूल 6 बचा, 6 का दोगुना 12, ये कहां गया, पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि शेष 15 ऊंट नदी किनारे पाए गए, भाई अगर 9 जंगल में चले गए 12 पहाड़ों पर चले गए तो यानी कि टोटल तो 21 वहां चले गए, हम कह रहे हैं कि 36 अगर उसमें टोटल थे तो 36 माइनस 21 मतलब 15, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप ऑप्शंस के थ्रू सेकंडों में कर सकते हैं, यहां तो फिर भी मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि आपको एक एक चीज मेरे को बतानी पड़ रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप उसको सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। हमको उसने देखा, हमने देखा कि भाई एक चौथाई जंगल में गया तो पहली चीज तो हमको ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 4 से कटती हो, ठीक है, तो 32 और 36 ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से कटती हैं, तो 34 35 तो यही खत्म हो गए। अब आपके पास बचता है झुंड के वर्गमूल का दोगुना, यानी कि वर्गमूल भी उसी का निकलेगा जो कि खुद एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब 36 है बस। अब 36 में से 9 चले गए जंगल पे, 12 चले गए पहाड़ों पर, क्योंकि वर्गमूल का दोगुना, तो वर्गमूल का दोगुना का मतलब 6 गुना 2 12, तो 12 चले गए पहाड़ों पर, बाकी जो 15 ऊंट बचते हैं वो नदी किनारे पाए गए थे, तो यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर आपका 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 21 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए जब हम एलसीएम और एचसीएफ वाला अगर चैप्टर जब करेंगे या आपने करा भी होगा तो उसमें हमारे सामने एक चीज आती है कि जहां भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, जहां भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है तो हम कुछ नहीं करते, सीधा जो आपको एचसीएफ दिया गया है उसी से अनुपात को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहां एचसीएफ देखूं या फिर महत्तम समापवर्तक, कितना दिया गया आपको 21, संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है 1:4, तो हम सीधी संख्याएं क्या क्या निकाल सकते हैं, 21 × 1 और 21 × 4, यानी कि एक संख्या होगी 21, एक संख्या होगी 84, ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, 84, यानी कि आंसर आपका 84, ठीक है। अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि इनका एलसीएम भी 84 है तो आप देखेंगे कि 21 और 84 इनका एलसीएम भी तो 84 ही आता है, यानी कि 84 से ऐसी दो संख्या है जो दोनों 84 ऐसी संख्या जो दोनों से कटती है, ठीक है, 84 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी, तो कंडीशन सेटिस्फाई। या फिर इतना कुछ नहीं भी देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जहां भी आपको एचसीएफ दे रखा है या महत्तम समापवर्तक दे रखा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो हम सीधा एचसीएफ का अनुपात के साथ
मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास संख्याएं मिल जाएंगी। यहां तो दो संख्याएं थी, अगर बाय चांस आपको और संख्याएं ज्यादा दे दी जाती, कह देता कि भाई आपको एचसीएफ जो है, एचसीएफ आपका पास 17 और संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में, तुम क्या करते सीधा सा, 17 × 2 = 34 पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं देखना, जहां भी एचसीएफ दे रखा है एचसीएफ को सीधा अनुपात के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पूरी पूरी संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास है एचसीएफ, एचसीएफ 21 था, अनुपात 1:4 था, तो 21 = 21 और 21 = 84 दोनों को कंपेयर कर लो, बड़ी संख्या कौन सी है, 84 आंसर, ठीक है।